Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. This is your online class of science, and as you all know that we have started our chapter number 2, alhamdulillah. Here it is. This is your chapter number 3, and we are going to complete our chapter number 3. 6th class, one more thing, your papers are going to be started. Aapke papers start hone wale hain, aur main aapko hamesha ek cheez batati hu ki apni taiyari ko mukammal rakha kare. Taiyari mukammal tabhi ho sakti hai jab aap saath saath jo cheez aapko dil karwai ja rahi hai wo aap saath saath yaad karte chale jayein. So all of you have to be prepared for your exams. तो जितना काम आपको करवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की भी परेशानी मसले मसाइल दरपेश ना हो. ओके जी, 6th क्लास, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर लेसन नंबर 3 एज यू ऑल सी दिस. एंड इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक दैट इज़ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इज़ ऑल अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स सांस कैसे लेते हैं. देखें, जैसे इंसान सांस लेते हैं, जैसे हम लोग आप सांस ले रहे हैं, हमारा एक मैकेनिज्म है. हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. इसी तरह जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है उसके साथ मिल जाती है और वो बॉडी को एनर्जी दे देती है. बॉडी में जितनी भी जो हम खाना खाते हैं उसके साथ मिलकर बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, और फिर उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल आते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में निकल आते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, क्योंकि बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती. तो उसी तरह जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी इस सांस लेते हैं. प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं वो उनको उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो वाटर मिल जाता है, और जब वाटर मिल जाता है तो वहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन जो है वो जब बन जाती है उसके साथ बहुत से दूसरे भी चीज़ें निकल आती हैं, तो वो प्लांट से बाहर एक्सहेल हो जाती है. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग. लाइक रिस्पायरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स, के रिस्पायरेशन जो है वो लिविंग थिंग्स की एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, कि लिविंग थिंग जो है वो रिस्पायरेशन जो है वो उसके तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कि लिविंग थिंग्स के अंदर अगर रिस्पायरेशन ना हो तो इनमें एनर्जी ना हो. ठीक है, इन द प्रोसेस प्लांट यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर. कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज यूज्ड ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाते हैं जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाती है, और उसमें से एनर्जी भी निकल आती है. हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. अच्छा, क्या हो रहा है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी दे देती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स. जैसे कि आप सबको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्लांट्स के अंदर लीव्स के प्लांट के लीव्स के अंदर कुछ स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स. इनके दो स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप होता है रिस्पायरेशन का जैसे कि जो सांस लेना, और एक होता है फोटोसिंथेसिस का जिसके अंदर उनके सारी फूड बनता है. ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज. दिन के वक्त में प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं, एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बनाते हैं. दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन. वो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन जाते हैं. दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस, और यही प्रोडक्ट्स फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं जो कि खाने का प्रोसेस होता है. एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स. रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. प्लांट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. प्लांट्स जो हैं वो हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रिस्पायरेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ना वो रिस्पायरेशन के इन रिस्पायरेशन वो वहाँ से बाहर निकाल देते हैं. देखिए, बात कुछ ऐसी होती है कि जब जैसे अक्सर लोगों को कहा जाता है कि रात के वक्त आप लोग दरख्तों के नीचे नहीं सोते, वो कोई और बात नहीं है. बात सिर्फ इतनी होती है कि जो ट्रीज़ होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो रात के वक्त उनका प्रोसेस चेंज हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो हवा से लेने लग जाते हैं. तो
जो ऑक्सीजन इंसान अपने अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन जब प्लांट्स ले रहे होते हैं और प्लांट्स उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से निकालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बींग्स उनके नीचे सो रहे होते हैं उनको जा रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है, नुकसानदेह चीज़ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन है। बेसिकली सिक्स क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवरअप करवाऊँगी, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी अक्सर आ जाता होता है। सो ऑल ऑफ़ यू बी प्रिपेयर फॉर दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं एज इट इज़, और इसको याद करना भी बहुत आसान है। इसके सिर्फ 3 से 4 इसके कंपैरिजन में इसकी पॉइंट्स हैं, और वो 3 से 4 पॉइंट्स भी बहुत इजी हैं, वो आप आसानी से याद कर लेंगे। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज मैंने जो आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ा दिया है सिक्स क्लास, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और मेरी बात हमेशा याद रखें, जो काम करवाया जाता है उसको उसी टाइम याद कर लिया करें, ताकि आपको बाद में मसला ना हो, इकट्ठे याद करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ओके, सो नाउ टाइम टू राइट द थिंग। राइट द थिंग इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 मैं चूँकि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था, नाउ टुडे यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ हाउ डज रिस्पायरेशन अकर इन प्लांट्स। के रिस्पायरेशन प्लांट्स में कैसे होती है। इन प्लांट्स इट अकर्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एंड रिलीज वाटर और पानी रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और गैसेज की एक्सचेंज होती हैं, गैसेज निकलती हैं स्टोमेटा के थ्रू वहाँ से। ये है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन जो है वो सिक्स क्लास आपने आज का काम कॉपीज पे कर लेना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में सिक्स क्लास आपसे मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।